हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एएसए का बेसिक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एएसए फायरवॉल कैसा है और हम जीएनएस पे करेंगे इसको कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हमारा एएसए फायरवॉल है और इस पे चेक करके देखेंगे कि हमारे पास कितने इंटरफेसेस हैं। सो गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड और इसमें हम देखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क में जाके देखेंगे कि कितने इंटरफेसेस हैं। तो 7 इंटरफेस यहाँ पे है एडेप्टर्स, लेकिन इसमें हाईली 6 हैं तो एक शो नहीं करता है। तो अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इसका कॉन्सोल चाहिए तो कॉन्सोल और इसका फायरवॉल का वीएनसी के थ्रू हम कॉन्सोल लेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जा करके हम देखते हैं कि इसका कॉन्सोल टाइप जो है वो वीएनसी रहेगा। तो वीएनसी यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते थे टेलनेट, बट हम मैं यहाँ पे वीएनसी के साथ ही जा रहा हूँ, तो वीएनसी के साथ ही जा रहा हूँ। और यहाँ पे वीएनसी का कॉन्सोल पोर्ट रहेगा 5900 वीएनसी। तो इसके लिए हम चलते हैं वीएनसी पे और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं जाता हूँ, पहले सुपर पुट्टी है मेरे पास, मैं सुपर पुट्टी के ऊपर वीएनसी लगा रखी है, इंस्टॉल की हुई है अपने सिस्टम के अंदर। और सिस्टम के अंदर मैंने यहाँ देखिए आपको वीएनसी दिख जाएगा, वीएनसी रियल वीएनसी, ये है टाइट वीएनसी। ओके, टाइट वीएनसी व्यूअर है, इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने वीएनसी लगा दी है। वीएनसी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की थी, गए कंट्रोल F2 प्रेस किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे पुट्टी का लोकेशन डाल दिया, पुट्टी कहाँ से लेनी है, यहाँ पे इन सब बाकी सभी लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई कर करके हम डाल दिए। यहाँ पे मैंने टाइट वीएनसी का लोकेशन डाल दिया, टाइट TN व्यूअर करके है। ओके, तो अब चलते हैं। हमने पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल टाइप में वीएनसी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे एंड पोर्ट नंबर फायरवॉल के जो आईपी एड्रेस है और जो पोर्ट है वो यूज़ करेंगे ये लोकल कंसोल के लिए। तो अब मैं जा करके यहाँ पे हिट करता हूँ, तो हिट करने के बाद मेरे पास फायरवॉल का कंसोल आ जाता है। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अब ऐसे यहाँ रीनेम करके ASA फायरवॉल, ASA फायरवॉल कर दिया, हमारे पास आ गया। तो ये हमारा ASA फायरवॉल है, इनेबल किया, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड दिया, पासवर्ड मैंने इसका बाय डिफॉल्ट ले रखा है, पासवर्ड मैंने डाला था TSSW0RD, ये था मेरा पासवर्ड। मतलब ये नहीं है, पासवर्ड मेरा ये है PA@SSW0RD, ये था मेरा पासवर्ड। सो इसके बाद सो आई इंटरफेस इंटरफेस आईपी ब्रीफ करेंगे, पोर्ट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरफेसेस, इंटरफेस की कौन कौन सी है। वैसे 7 8 इंटरफेस हमने जो काउंट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 इंटरफेसेस हैं अकॉर्डिंग टू इसके भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस पे गए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है, और हम जाते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में देखिए आप, आपको पहला इंटरफेस 0 से लेकर के यहाँ तक आ रहा है इंटरफेस का, ये है। और भी एडवांस है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम इसमें, ये सो सर्वर समरी है, ये सर्वर समरी है और मैप टोपोलॉजी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे, ऐड करते हैं हम ऐड अ नोड, ऐड अ नोड पे गए, या तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, या फिर मुझे अब इस पे एक फिजिकल पीसी इंस्टॉल करना है। तो मैं VMware का पीसी यूज कर रहा हूँ, VMware के सिस्टम्स यूज कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन नेम मेरा कुछ नहीं है, और चूज देख आप, फर्स्ट है फर्स्ट फिल्टर टेम्पलेट बाय VMware, ओके। एंड मैंने यहाँ पे कुछ VMware के फाइल्स रखी हुई हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो देख मैं इसमें एक काम करता हूँ कि मैं Windows 7 ले लेता हूँ, एक नॉर्मल सा GNS3 Windows 7। मैं यहाँ से सर्च मैनेजमेंट पीसी मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, Windows 7 GNS3। ओके, मैं कितने नोड्स यूज करना चाहता हूँ इसकी, मैं चार, में DMG1 DMG1, एक तो DMG1 होगा, एक लैन होगा, एक वैन होगा। तो हम लैन वैन एंड DMG करेंगे, तो लैन वैन एंड DMG और एक मैनेजमेंट के लिए ले रहे, तो टोटल मैं चार ले लेता हूँ। काम करता हूँ चार ले लेता हूँ, चार कर लिया और ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4,
चार के चार नोड आ गए। तो हम इसका कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, इसका नाम डाल दिया मैनेजमेंट। ओके, इसका नाम मैनेजमेंट पीसी हो गया। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पे गए, ये लैन हो गया। ओके, इसके बाद हम जाते हैं वैन के ऊपर, वैन सिस्टम कौन सा होगा। और इसके बाद एक काम करते हैं, इसका रिलोकेशन कर लेते हैं, हम वैन इस साइड रखते हैं, मैनेजमेंट हम यहाँ ऊपर रखेंगे, लैन वैन के सामने रख देते हैं, और ये हमारा डीएमजी हो गया। तो इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसका नोड फोर नेम है डीएमजी, डीमिलिटराइज जोन। ओके, डीएमजेड, इसको डीएमजी बोलते हैं, डीमिलिटराइज जोन। ओके, हो गया। एक काम करते हैं, मैनेजमेंट हम ऊपर रखते हैं। मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि फायरवॉल डायरेक्टली कई बार DNS के साथ फिजिकल पीसी कनेक्ट नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एक क्लाउड ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे नोड्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे IMO, यहाँ पे क्लाउड का होगा, क्लाउड पे गए, एक क्लाउड ले लिया हमने, क्लाउड क्वांटिटी कितनी चाहिए, बस एक ही काफ़ी है हमारे लिए, एक ही इनफ है। ऐड होने देते हैं क्लाउड को, ये क्लाउड ऐड हो गया। क्लाउड ऐड होने के बाद हम इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन में गए, और इसमें इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस 2 और 3, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लाउड कैसे ऐड होती है और क्लाउड के इंटरफेसेस कैसे ऐड करेंगे एक क्लाउड के ऊपर। तो ये है GNS3 का, हम GNS3 का कैसे लाते हैं, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। कैंसिल, ये हमारा GNS3 है। आप देखना चाहेंगे टोपोलॉजी कैसी दिखती है, जैसे जो जो हमने सिलेक्ट किया है एज इट इज सब कुछ आ गया है। देखिए, ये देखिए, ये VM WAN PC मैंने बनाया, WAN बन गया, सब कुछ बन गया। ठीक है, एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस, आफ्टर प्रेफरेंसेस हम जाएंगे क्लाउड्स के अंदर। यहाँ पे आप देखिए क्लाउड नोड्स, ओके, क्लाउड नोड्स में गए, एडिट किया, रन ऑन लोकल कंप्यूटर, बिकॉज हमने लोकल कंप्यूटर पे क्यों जाना चाह रहा हूँ और VMware पे क्यों जाना चाह रहा हूँ, जब हम नेटवर्क के लिए लोकल PC अडेप्टर यूज करना पड़ेगा तो अडेप्टर हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। तो लोकल PC के अडेप्टर ऐसे दिखते हैं, कमांड क्या होता है, ncpa.cpl, ठीक है। आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आपको ये कमांड हिट करना पड़ेगा, cmd, ओके, विंडो आर, विंडो आर, रन, रन गया, ncpa.cpl, ओके, ये हम टाइप करेंगे तो हमारे पास दैट इज हमारे पास आ जाएगी खुल के, कौन सा, नेटवर्क कनेक्शंस के लिस्ट। तो मेरे इस केस में नेटवर्क कनेक्शंस जो है मेरे पास, वो मेरे पास नेटवर्क कनेक्शंस कुछ ऐसे हैं, ये नेटवर्क कनेक्शंस हैं और ये मेरा GNS3 का टोपोलॉजी है। तो मैं नेटवर्क कनेक्शन के अकॉर्डिंग मैं यूज़ करना जा रहा हूँ, तो मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये यूज़ करूँगा 19 वाला। तो एक काम करते हैं, सारे के सारे मैं पहले इसमें ऐड कर लेता हूँ, ओके, मैं सारे के सारे ऐड कर लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ मैं मैनेजमेंट, MGMT क्लाउड, मैनेजमेंट क्लाउड क्यों रखा है मैंने, मैनेजमेंट क्लाउड MGMT मैनेजमेंट क्लाउड, मैनेजमेंट क्लाउड रखा। और इसको मैंने क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट क्लाउड मैंने क्यों रखा है कि मैंने, मुझे इसमें एक मैनेजमेंट इंटरफेस चूज करना है कि GNS3 को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने ये एडेप्टर यहाँ से चूज कर लिया 19, और मैंने इसको ऐड कर लिया। अगर हम चाहेंगे सभी के सभी ऐड करने के लिए तो ऐड ऑल पे भी क्लिक करेंगे, जितने भी एडेप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। चलिए मैं फिलहाल 19 ही ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो गया। एक नया भी कर रहा हूँ, एक नया इसलिए कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट करके डाल रहा हूँ, इंटरनेट करके, और इंटरनेट के अंदर मैं ऐड MCI ऐड ऑल,
एड ऑल कर दिया जिसमें मेरे पास सभी सारी आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, और मुझे यहाँ पे इंटरफेस पे नहीं पता चल पा रहा था, कॉन्फ़िगरेशन में जा करके इथरनेट इंटरफेस, ऐड कर दें इंटरफेसेस, इंटरफेस कैसे ऐड होंगे, एक सेकंड मैं देखता हूँ, थोड़ा मुझे भी कई बार दिक्कतें होती हैं, तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सही से बनाऊँ। तो यहाँ पे सो ऑल इंटरफेसेस करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं इसी में ऐड करता हूँ, इसको नहीं ले करके हम एक काम करते हैं, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मैं इसको गया और मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। वापस हम जाते हैं ऐड करने के लिए, चूज टेम्पलेट जो है मेरा क्लाउड रहेगा, और मैंने दो बनाई हैं, तो मैं मैनेजमेंट क्लाउड, मैंने मैनेजमेंट के लिए जाना है मुझे, इसका नाम मुझे रखना है द नेम एंड डिफॉल्ट नेम ये रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ MGMT क्लाउड, ठीक है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक हमारे पास मैनेजमेंट कर क्लाउड क्लाउड आ गया, ठीक है। इसका वापस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इसका नाम चेंज नहीं हुआ है और ये इथरनेट टाइप ये यूज़ कर रहा है, क्लाउड वन ये है, और इसका कुछ ये रहा मलिशियस नेम रख देते हैं MGMT-Cloud, अप्लाई कर देते हैं, मैनेजमेंट क्लाउड हो गया। ये मैनेजमेंट क्लाउड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज ये सिस्टम जो है मेरा मैनेजमेंट पीसी होगा, तो मैनेजमेंट पीसी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इथरनेट स्विच एंड हब, इथरनेट स्विच में जाऊँगा, इथरनेट स्विच है एक मेरे पास और उसको ऐड करेंगे हम, जिस जो नॉर्मल स्विच है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, L2 स्विच है। सो ये देखिए, अब मैं इसको, हमें अब फिजिकली कनेक्टेड, जैसे फिजिकल कनेक्ट होती हैं डिवाइसेज, एज इट इज़ फिजिकल कनेक्ट करने के लिए हमने ले लिया, मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या है, ऐड अ लिंक, ऐड अ लिंक करके लिखा आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमें जो केबल कनेक्शंस है वो यहीं से मिलेगी। तो पहले मैंने केबल कनेक्शंस किया, VMware का इंटरफेस नेम आ गया VMware नेटवर्क 19 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैंने इसके फॉस से कनेक्ट कर दिया, इथरनेट फॉस से, तो ये केबल कनेक्ट हो गया। इथरनेट सेकंड से मैंने इसको फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस को कनेक्ट कर दिया, इथरनेट टू से मैंने इसके मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट कर दिया, इथरनेट टू से मैंने मैनेजमेंट पीसी को कनेक्ट कर दिया, नहीं 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 चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और इसके बाद मैं इसमें गया, फायरवॉल पे गया, इथरनेट पे गया एंड फायरवॉल पे गया, यहाँ पे इंटरफेसेस दिख नहीं रहे, ओके, कुछ इशू है, तो काम करते हैं, अभी हम चलते हैं प्रॉपरली, GNS3 की टोपोलॉजी पे, और ऐड पे गए, वैन को गिग 0/0 से, और यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, अभी शट डाउन करते हैं, स्टॉप करते हैं फायरवॉल को, और मैप टोपोलॉजी अभी हटा दी मैंने, लेट मी चेक क्यों नहीं आ रहा है मैं, बिकॉज सब कुछ यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे गया 0/0 से मैनेजमेंट को, और उसके बाद जो है मेरा 0/1 से लैन को, और 0/2 से मेरे अपने इसको दे दिया मैंने, अब देख लीजिए आप। और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आती होंगी, ऑप्शंस के अंदर मेरा
गो टू प्रेफरेंसेस डॉकर में, ठीक है बैक। मैं भी इसमें पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ ब्राउज़र के ऊपर, मैं पहले यूज़ नहीं करता था, मैं डायरेक्टली GNS पे ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, सो एंड हाइड इंटरफेसेस। तो इंटरफेस के लिए यहाँ पे मुझे इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि सो एंड हाइड इंटरफेसेस कैसे आएंगे, तो चेक करते हैं, मिलना चाहिए, ऐसा है नहीं कि मिलेगा नहीं। मैप सेटिंग्स, सो एंड सो इंटरफेस लेवल्स, ओके मिल गया हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए, ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस है, ये GIG 0/0, GIG 0/1, ये हमारा VMware नेटवर्क 19 से जा रहा है, ठीक है, क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं फायरवॉल को स्टार्ट। फायरवॉल स्टार्ट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, वापस से हम हिट करना पड़ेगा बिकॉज हमने अभी डाउन कर दिया था, ठीक है, ये वाला हो गया। और मैं अब करता हूँ वैन पीसी को स्टार्ट, अब करता हूँ मैं लैन पीसी को स्टार्ट, और अब करता हूँ मैं इसको लैन को स्टार्ट, टीएमजी को, वैन को, और मैनेजमेंट को भी। मैनेजमेंट ऑलरेडी मेरा आई थिंक स्टार्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पे, स्टोर्ड है कहाँ पे, तो ये VMware के नोड्स हैं। तो VMware के नोड्स ये हैं मेरे पास, GNS 3.2। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सभी के नाम आ रहे हैं कि कौन सा पीसी है और किससे कनेक्टेड है सभी का। आप VMware चला रहे हैं तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि सभी के नेटवर्क, जितने भी आपने पीसी ऐड की हुई है नेट उसके अंदर टोपोलॉजी के अंदर, तो वो सभी VMnet 0 से सभी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हो, जो फिजिकल को मैप्ड है, वो VMnet 0 से होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है VMnet 0 पे जो पर्टिकुलर आईपी होगा बाय डिफॉल्ट तो वही लेगा, बिकॉज ये पाइपिंग यूज कर रहा है अब GNS के साथ, तो यहाँ पे हो जाएंगे। दूसरी बात, आप जब ये करते हैं तो आपको या तो VMware के ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार VMware के ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर आप VNC इनेबल कर करके VMware के ऊपर आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको VNC कैसे इनेबल करते हैं। यहाँ पे जाइए आप सेटिंग के अंदर, पहले आप VM के ऊपर, VM टैब के ऊपर जाइए, जो VMware वर्कस्टेशन जब आप खोलेंगे, जो भी कुछ भी कोई भी VMware होता है उसको आप ओपन करेंगे, तो ठीक है। अब ये रहा VMware मशीन के लिए पूरा VMware का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आप फर्स्ट जाइए VM टैब के ऊपर, VM टैब के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाइए, ऑप्शंस के अंदर VNC है डिसेबल। पहले तो आप 900 जो है हमारी VNC, वो 900 हमने 5900 इसके लिए यूज़ कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि 5900 के लिए हटा करके, 5900 तो यूज़ कर लिया हमने, तो आप 5900, 5901 आप एक काम करिए कि 10 से ले लीजिए, बिकॉज आपको कोई मैनेजमेंट वगैरह कुछ लगाना होगा, या और दूसरी बात आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, सो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले के 5901, सेकंड वाले पे गए, आप चले गए सेकंड वाले की सेटिंग्स पे, सेकंड वाले के सेटिंग्स पे जा करके इसको भी इनेबल कर लीजिए, और आप डाल दीजिए 11, और एज इट इज़ आप थर्ड वाले पे जाइए, थर्ड वाले पे जा करके भी जो हमने तीन सिस्टम्स अप किए हैं अभी, तो 12, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, अब हम चाहें तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पे ले लें सिस्टम्स को, तो मेरा मैनेजमेंट सिस्टम है 1, तो 1 डॉट, अगर VNC हमने VNC इनेबल किया है तो यहाँ पे 11 किया तो 11 का सिस्टम आ गया, दूसरा हमने 12 किया 12 का आ गया, और यहाँ पे हमने एक का 10 किया था, टेन आ गया। तो 10 वाले का क्या रहेगा, 11 वाले का क्या रहेगा, 12th वाले का क्या रहेगा। पहले आप एक काम कर लीजिए कि आप VMware पे ही जाइए, पहला है 2, तो ओके इसका हम IP चेक विंडो आर CMD IP config, ठीक है। अब हम ऐसे करके काम करते हैं कि अभी हम, ठीक है 32, ठीक है एक काम करते हैं इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं,
बड़ा दिख जाएगा हमें। ये थोड़ा जूम अच्छा सा दिख रहा है। यू माइट बी विक्टिम सॉफ्टवेयर, बिकॉज मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्टेड नहीं है सो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। इसकी सेटिंग थोड़ी खराब हो गई, इसकी सेटिंग सही है, 10 का सेटिंग सही कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 10 को कर देते हैं क्लोज और 12 को भी क्लोज कर देते हैं। तो पहले हम 10 को ले लेते हैं एक, थोड़ा सा ये बड़ा कैसे होगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। देखना पड़ेगा इसमें कौन सा इनेबल है, इसमें कुछ भी इनेबल्स नहीं है तो यहाँ पे इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, देखना पड़ेगा। कुछ तो है जो दिक्कतें कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं। ये 133 का सिस्टम है, ये 131 का सिस्टम है, बारह दस ग्यारह और बारह, बारह का 32, ग्यारह का 31 और 10 का 33, ठीक है। एक काम करते हैं हम एक बार टोपोलॉजी भी दोबारा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं टोपोलॉजी क्या है इसका, इसके ऊपर गए, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस पे गए। इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद नेटवर्क पे गए कि हमें पता करना है कि कौन सा सिस्टम है, किसका क्या है। कैंसिल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन कुछ इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें मैंने जो नेम चेंज कर दिया है नोट्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं GNS पे देखना चाहता हूँ तो GNS पे दिखेगा क्या, ओके इस पे गए, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, वैन नोड्स हैं, नेटवर्क टाइप हैं एंड ये है। चलिए अभी मुझे पता लगाना थोड़ा इजी नहीं पड़ेगा। VM नेटवर्क इज स्टार्टेड, MCI इसके साथ पोर्ट 3080 यूज़ कर रहा है, ASA फायरवॉल के 0/0 से है। इसका नाम है VMware WAN is started, WAN, VM WAN, इसका VM DMZ होगा, VM started होगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम सभी की सभी को नहीं, पहले हम एक एक को रीलोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ये है हमारा ASA फायरवॉल, रीनेम कर लेते हैं ASA फायरवॉल, डन, ये ASA फायरवॉल हो गया। अब हमें क्योंकि सिस्टम्स मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा किधर का है तो मैं पहले वैन वाले को रिस्टार्ट करता हूँ, रीलोड करता हूँ। जब वैन वाले को हम रीलोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम रीलोड हो रहा है। एक काम करते हैं, हमने रीलोड किया है इसको, ये रीलोड करते हैं। तो वैन सिस्टम मेरे पास रीलोड हो जाना चाहिए जो वैन पीसी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मतलब ये मेरा वैन है, ये मेरा वैन सिस्टम है। आस्क मी लेटर, ओके। ये मेरा वैन है, रीनेम टैब वैन पीसी, ठीक है।
ये वाला एक काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, फिर मैं ज़्यादा कन्फिग्रेशन नहीं करूँगा। ये मेरा वैन पीसी हो गया, इसका वीएम देख लेते हैं सेटिंग्स कौन सी है। ओके, एक काम, ऐसे नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा स्टार्ट हुआ था, तो दूसरी बात हम कर लेते हैं वैन लैन को स्टार्ट रीस्टार्ट कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। अगर लैन रीलोड करेंगे तो दिखा देगा हमें, अब लैन को रीलोड करते हैं, लैन, ये हमारा लैन पीसी हो गया। लैन पीसी हो गया और इसके बाद ये हमारा डीएमजी हो गया, ऑटोमेटिक डीएमजी पीसी। ठीक, अब हमारे पास ये सारे पीसीज हो गए, लैन वैन एंड डीएमजीज। ठीक है, आस्क मी लेटर, हम फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट कर रहे थे तो दिक्कतें यहीं पे आएंगी कि आपका जो है सिस्टम्स वो सही से थोड़ा एक्टिव नहीं होगा। आफ्टर रिस्टार्ट हम सारे के सारे सिस्टम्स हमें ऐसे ही मिलेंगे। एक काम करते हैं, अगर आपको नहीं नहीं है और दिक्कतें हो रही हैं तो एक काम करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गए, इसको भी हमने रिस्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो अब VNC, मेरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है सभी के साथ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग्स, सेटिंग में गए, ऑप्शंस में गए, इनेबल पे गए, 999, 999 है जो मेरा मैनेजमेंट है, तो मैं इसको मैनेज मिनिमाइज कर देता हूँ। ये है मेरा मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हमारा एएसए फायरवॉल है, ये हमारा वैन पीसी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस वाले को क्लोज करते हैं एक बार, और देखिए अब अभी मैंने, ठीक है, ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है जिसकी आईपी है रन आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग, कई बार टाइपिंग मेरी बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत ही मिस्टेक्स हैं। ठीक है, ये मेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑलरेडी इस फायरवॉल से कनेक्टेड है 45.1 से। ठीक है, जो मैनेजमेंट है, मुझे ये इस मैनेजमेंट पीसी को लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैनेजमेंट क्लाउड क्लाउड ही रहने देता हूँ मैं, बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आफ्टर डिलीट करने के बाद मेरे से यहाँ से मैनेजमेंट सिस्टम भी डिलीट हो जाना चाहिए, हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मेरा करंट टोपोलॉजी है, ये से कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे गए, HTTP फेल्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
अब देखिए कि ये है, अब VNC पे जाते हैं, 192.168.145.125.129:5900, दिस इज फॉर फायरवॉल एंड दस ये है मेरा मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। अब बारह दो बार आ गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और एक काम करते हैं, दस ग्यारह एंड बारह, ओके। तो ये ऐसे फायरवॉल है, ठीक है। तो ऐसे हम लैब क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर भी लेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो पहले हमने देख लिया कि कैसे होती हैं, या तो आप डायरेक्टली GNS पे जाकर के आप बना दीजिए, और GNS के ऊपर जो आपका ये टूल दिखता है यहाँ पे, ये लाइट वेव इंटरफेस और वेव यूआई टोपोलॉजी प्रीव्यू, तो आप टोपोलॉजी प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, टोपोलॉजी प्रीव्यू दिखेगा। क्लिक होते ही मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। हमने हमने क्लिक किया टोपोलॉजी व्यू पे, वेव व्यू टोपोलॉजी ऐसा आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है लाइट व्यू टोपोलॉजी। लाइट के मतलब पहले से हमें कुछ नहीं करना है, लाइट पे जाएंगे, वेव व्यू यूजर इंटरफेस बंडल, वेब यूजर इंटरफेस बंडल पे जाकर के हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देख लीजिए GNS3 के ऊपर जो ये मेरे मुझे हमें ये इधर नाम दिखा रहा है, इसका नाम जो है अनटाइटल, पता नहीं क्या क्या है टाइप, मैंने ऐसे कर दिया था। तो ये देख लीजिए आप, ये अनटाइटल दिस ये है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गई हमारी वेव यूआई इंटरफेसेस। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एज इट इज टोपोलॉजी क्रिएट हो गई, आ गई। ये इंफॉर्मेशन आप चाहें तो आप यहाँ से लाके भी ला सकते हैं और हटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अकॉर्डिंग टू हम जो मैंने मैनेजमेंट सिस्टम ले रखा है उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, और मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं गया तो इसमें ऐड नोट्स हैं, नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। और अभी मुझे 100 इंटरफेसेस करनी थी, तो मैं 100 इंटरफेसेस की कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ जो GNS के ऊपर हमें ऊपर मिलती है टास्क बार के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इनेबल करना पड़ेगा बिकॉज हमने इनेबल नहीं किया, पासवर्ड मैंने डाला, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस मैनेजमेंट 0/0 और IP एड्रेस दे देंगे। आईपी एड्रेस जो है मेरे मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग में डालूंगा, मेरा जो आईपी एड्रेस रहेगा वो 45 डॉट इसकी रेंज में रखेंगे, तो 129 तो है ही मेरा। तो मैनेजमेंट इंटरफेस तो मैं एक काम करता हूँ 201 कर लेता हूँ इसकी आईपी एड्रेस, तो 192.168.45.201.255.255.255.0, इसको नो शट नेम इफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का सिक्योरिटी सिक्योरिटी लेवल जो है वो 99 रखते हैं, बिकॉज हम जो कोई भी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट इंटरफेस का नाम रखते हैं तो उसका सिक्योरिटी लेवल चेंज हो जाता है, बट ये बाय डिफॉल्ट 0 सिर्फ वैन के लिए रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी लेवल जब हम पढ़ेंगे तब। तो ये हो गया हमारा,
सिक्योरिटी लेवल जीरो, उसके बाद हो गया हमारा सिक्योरिटी लेवल जीरो के बाद इसको वापस से नो सेट कर लेते हैं और पिंग करके देखते हैं कि 192.168.145.129 ओके पिंग 192.168.145.129। कई बार आपका कीबोर्ड अगर नहीं काम करता है न्यूमेरिकल की तो आप जो स्मॉल कीबोर्ड जो होती है लाइक लैपटॉप की होती हैं उसके ऊपर जो कीज होती हैं उसको यूज कर सकते हैं। अब ये हिट कर रहा है किसको, जो मैनेजमेंट सिस्टम है और जो हमने इसकी आईपी दी है सो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो मैंने जो 201 दी है तो मैं एक काम करूंगा 201 और 128 को पिंग कर रहा है क्या, 128 को पिंग करना चाहिए ना क्योंकि मेरी इसकी आईपी 128, मेरी इस सिस्टम की आईपी है 128.155.128 और ब्रीफ ये किया 128 को हिट कर रहा है, यस हिट कर रहा है। तो हम जाते हैं यहाँ पे और मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.145.201 फायरवॉल को हिट कर रहा है, तो इसका मतलब फायरवॉल को हिट कर रहा है। तो अब हम इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैंने ASDM लॉन्चर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि ये मेरा मैनेजमेंट पीसी था, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे गए, ये है और ये है मेरा वन आईपी देंगे 145.201 यूजर नेम और पासवर्ड अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो चलिए मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ फटाफट। पहले तो हमें वेब यूजर इंटरफेस के लिए, जीयू इंटरफेस के लिए हम HTTP सर्वर इनेबल करना पड़ेगा, तो HTTP सर्वर इनेबल ओके। अब HTTP सर्वर कौन से इंटरफेस पे इनेबल करना है और कौन से आईपी के लिए, मैं एक काम करता हूँ मैं ग्लोबली इनेबल कर देता हूँ, या ग्लोबली इनेबल करने में थोड़ा सा क्या होता है कि इजी रहता है मुझे, कई बार GNS पे काम नहीं कर पाता है। एक काम इसमें अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे न्यूमेरिकल कीबोर्ड आज मेरा काम नहीं कर रहा है, यही दिक्कत होती है कई बार, 0.0 आईपी 0 मास्क और कौन से इंटरफेस पे करना है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे हमने करना है। तो मैंने कर दिया, यूजर नेम बना दिया, यूजर नेम मैंने बना दिया एडमिन, पासवर्ड मैं पासवर्ड जो रख रहा हूँ वो मैं स्टैंडर्ड मेरा हाथ सेट हो गया ये रखता हूँ, और प्रिविलेज रखता हूँ 15, प्रिविलेज लेवल कितना रखना है 15 फॉर फुल एक्सेस। अब हमने क्या किया है कि मैंने पहले तो आईपी असाइन कर दिया, आईपी असाइन कर दिया, ये जो 201 है हमारी, ये जो 201 है ये आईपी एड्रेस है हो गया मैनेजमेंट इंटरफेस का, मैनेजमेंट इंटरफेस कैपेबल है इसको पिंग करने के लिए किसको, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को, मैनेजमेंट सिस्टम से मैंने चेक कर लिया कि मैनेजमेंट सिस्टम एबल है पिंग करना है इसको, तो ये कैपेबल है यहाँ से यहाँ तक पिंग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ गए, चले गए हम यूजर नेम क्रिएट कर, HTTP सर्वर इनेबल कर दी, HTTP सर्वर इनेबल करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, HTTP सर्वर इनेबल करने के बाद मैंने फायरवॉल की आईपी एड्रेस डाली, फायरवॉल की आईपी एड्रेस डालने के बाद हमने यूजर नेम डाली है और पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब वेट करते हैं SDM लॉन्चर लॉन्च हो, ASDM लॉन्चर लॉन्च हो जाएगा। ASDM लॉन्चर का फुल फॉर्म है एडेप्टेड सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजमेंट ओके। सो आप देख लीजिए यहाँ पे ASDM लॉन्च हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम जैसे यहाँ पे है तो डिवाइस पे जाए कॉन्फ़िगरेशन पे जा करके, अब भी यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सिस्को ASA कॉन्फ़िग, सिस्को ASA लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं ASA फायरवॉल के नाम से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इसका नाम है ASA कैपिटल में FIREWALL ASA फायरवॉल कर दिया। और एक काम करते हैं फिनिश करके देखते हैं, अच्छा git 0/0 बैक पे गए और फिनिश करके देखते हैं।
फिनिश करने के बाद क्या नाम आ जाना चाहिए यहाँ पे, ऐसे फायरवॉल देखिए आप, मैं एंटर दबाया आ गया, हमारा नाम चेंज हो गया। तो ये थी मेरी बेसिक इंटरफेस और मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशंस। एक काम करता हूँ कि मुझे क्या होता है कि कई बार इसमें जो हम मैं वीएनसी यूज़ करता हूँ इसमें मैं कॉपी नहीं कर पाता हूँ कमांड्स को, तो दिक्कत होती है। तो मैं SSH इनेबल कर लेता हूँ, गिग 0/WAN का 0/0 है, तो मेरा टोपोलॉजी व्यू के अंदर 0/0 जो है वो मेरा वैन साइड है और दूसरा जो है 0/1 वो मेरा लैन साइड है। तो मुझे इस पे आईपी एड्रेसेस भी लिखनी पड़ेंगी। तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉ टेम्पलेट मुझे लिखना है, अच्छा एक काम करता हूँ मुझे थोड़ा, ये क्या है एड नोड, ओके ये 192.168.1.0 सबनेट और इसका 10.1.1.0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वैन और लैन के मैंने आईपी डिसाइड कर ली हैं। एक काम करता हूँ मैं, मैनेजमेंट की आईपी हमारे पास है ही, और ये मैनेजमेंट की आईपी है हमारे पास, क्या नेटवर्क क्या है 192.168.145.0 सबनेट का मैनेजमेंट है हमारा नेटवर्क, और DMZ का रखते हैं 172.16.1.0 का, इसका सबनेट ये रखते हैं। तो मैं वैन पीसी के ऊपर जाता हूँ, अभी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा फायरवॉल के लिए, यहाँ पे वैन पीसी पे वैन के लिए तो 2 कर दूंगा, पीसी के लिए 1 कर देता हूँ और फायरवॉल के लिए 2 कर देता हूँ। तो मैं गया वैन गिग 0/0 पे, नेम इफ कर देता हूँ इसका वैन सिक्योरिटी लेवल 0 रखेंगे वैन के लिए, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 10.1.1.2 और सबनेट मास्क है 255.255.255.255.255.0 और 0/1 है हमारा, नेक्स्ट एडिट कर देते हैं 0/1, इसका इंटरफेस का नाम है लैन और इसका इनेबल कर देते हैं, सिक्योरिटी लेवल लैन का 100 रखेंगे बिकॉज हमें लैन सिक्योर रखना है, और इसका आईपी रखेंगे 192.168.0.1 और इसका देख लेते हैं हमने क्या रखा है, 1.0 रखा है, 0.1 नहीं 1.1, और इसका ठीक है ओके कर दिया एडिट, और इसका DMZ जो हमारा DMZ है और इसका सिक्योरिटी लेवल रख लेते हैं 50 हम, और DMZ का है 172.16.1.1 255.255.255.0 ओके। अब हमने क्या कर लिया, आईपी एड्रेसेस मैंने डाल दी हैं 172 DMZ के लिए, DMZ का इंटरफेस है 0/2, तो 0/gig 0/2 DMZ 1.0 तो 1.1 आईपी हो गई, लैन के लिए 1.1 लैन के लिए 1.1 ओके, और वैन के लिए इसका 2, तो ये हो गया 1.2 और नेक्स्ट पे गए। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें कोई स्टैटिक राउट इनेबल करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम फायरवॉल में राउट एक इसलिए इनेबल करके रखते हैं कि हमें ना ट्रैफिक को बाहर भेजना होता है इंटरनेट वैन साइड की तरफ, तो वैन साइड की तरफ मैं गया हूँ, तो मैं हमें इंटरफेस के ऊपर पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अभी मैं ASDM के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने वैन इंटरफेस चूज किया, नेटवर्क कौन सा करना है मुझे 0.0.0.0 मतलब कोई सा भी नेटवर्क मेरा आता है तो गेटवे आईपी क्या होगा उसका 10.1.1.2 के ऊपर चला जाएगा। मैट्रिक्स हमने पहले नंबर का रखना है इसको, तो मैट्रिक्स 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, वैन इंटरफेस के ऊपर हमने आईपी एड्रेस कहीं से भी आता है और कोई भी सबनेट मास्क और कोई भी नेटवर्क और सबनेट मास्क आएगा वो उसकी गेटवे आईपी क्या होगी 1.1.2 के ऊपर चली जाएगी।
इसका मैट्रिक्स है और ऑप्शंस नॉन नन है, अभी कुछ भी नहीं है। मैं अभी लैन इंटरफेस की तरफ डीएचसीपी इनेबल नहीं कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, लैन इंटरफेस की तरफ इनेबल कर देते हैं। स्टार्टिंग आईपी होगा 192.168.1.1.10 और एंटर आईपी होगा 192.168.1.100। डीएनएस सर्वर और डीएनएस सर्वर और इन चीज़ों का तो चलिए अभी हम नहीं रखते हैं, डीएनएस रखते हैं, काम करते हैं डीएनएस भी चलिए अभी नहीं रहने देते हैं। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑन इंटरफेस, इनेबल डीएचसीपी सर्वर ऑन द लाइन इंटरफेस। ओके, हमने डीएचसीपी सर्वर इनेबल कर दिया है 10 से लेकर के 100 के बीच में इंटरफेस, 10 नहीं 11 से लेकर के 100 तक हम यूज करेंगे, ठीक है। द स्टार्टिंग आईपी 0 डॉट क्या कह रहा है, ओके यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आईपी एड्रेस यहाँ पे 2 कॉलन लग गया है, कई बार टाइपिंग में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेटिंग इनेबल करनी है हमें, अभी नेटिंग नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बस जस्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। अभी जो मैंने इनेबल किया था एसडीएम के लिए, एएसडीएम के लिए एचटीटीपी सर्वर, वो 0 कहीं पे भी किसी भी नेटवर्क और किसी भी नेटवर्क से के मास्क पे चला जाता। अब हम एक और ऐड करते हैं, यहाँ पे एसएसएच इनेबल करता हूँ मैं, वो भी सिर्फ मैं मैनेजमेंट के लिए काम करता हूँ मैं, वो मैं मैनेजमेंट इंटरफेस पे ही करता हूँ, बिकॉज मैं किसी और को एक्सेस नहीं दूंगा। और 0000 और एक काम करता हूँ, इसको भी मैं 0000 मतलब मैं मैनेजमेंट के ऊपर तो किया हूँ, लेकिन कहीं पे भी ये चला जा सकता है। और मैं इसको कर देता हूँ अब फिनिश। इतने के बाद मेरा सब कुछ इनेबल हो गया है, फिनिश हो गया, क्लोज, इनेबल ऑटो अपडेट नहीं, नेक्स्ट, एनोनिमस, नेक्स्ट, फिनिश। फिनिश नहीं होने दे रहा है बिकॉज मुझे एक काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मेरा 10.1.1.2 तो इसी की आईपी, इसकी आईपी 2 है ना, हमें 10.1.1.1 करना था, इसीलिए नहीं ले रहा, वहां पे कमांड मुझे गलत दिख रहा था, ठीक है, ओके एंड फिनिश करता हूँ। अब मेरा ले लिया बिकॉज राउटिंग टेबल के अंदर आ गया था। अब हमें क्या होता है कि फायरवॉल के अंदर बाय डिफॉल्ट हम जाते हैं भी हैं एक्सेस करने के लिए एसएसएच और टेलनेट, तो नहीं चल पाता है। अगर सपोज करिए हम पुट्टी से लेकर के पुट्टी पे जा करके हम एसएसएच लेते हैं, फायरवॉल की आईपी डाल दी मैंने 1, तो एसएसएच इनेबल तो हो जाएगा, और हमारे पास हमें पता है कि एडमिन यूजर नेम है और पासवर्ड है, पासवर्ड तो नहीं ले रहा है, क्यों, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इनेबल कराना पड़ता है। उसके लिए पहले आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, डिवाइस मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट में सिस्को यूज़र AAA ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन एक्सेस में जाएंगे। पहले हमें ऑथेंटिकेशन सर्वर इनेबल कराना पड़ता है, जो कि मैंने लोकली ले रखा है, अभी मैंने कुछ अलग सा इनेबल नहीं किया है। अभी मुझे ऑथेंटिकेशन किस किस के लिए इनेबल करना है, इनेबल करते ही मैं काम करता हूँ, मेरे पास ये है एसडीएम के लिए, अगर मेरे पास सीरियल केबल के थ्रू लेता, मतलब मैं डायरेक्टली लेता हूँ बैठ के वहीं पे, तो लाइक कंसोल केबल जो बोलते हैं, एसएसएच लेना है, जो मुझे एसएसएच अभी मैं यहाँ से ले रहा था उसके लिए। और हमने टेलनेट इनेबल नहीं किया है, तो फिर भी हम टेलनेट के लिए काम करते हैं, अभी टेलनेट के लिए हम रहने ही देते हैं बिकॉज टेलनेट इनेबल नहीं किया है। अब मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब जैसे ही अप्लाई कर दिया तो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे पासवर्ड क्यों मांगा, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन किया था और यहाँ पे पूछा गया था मुझसे कि जब भी मैं स्टार्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ये सारे सभी का डिस्कनेक्ट कर देगा, तो हमें री ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। री ऑथेंटिकेट करा दिया, अब यहाँ पे ये देखिए आपका कनेक्शन टाइम आउट चला गया। अब मैंने रिस्टार्ट कनेक्शन किया वापस से, अब एडमिन और पासवर्ड मैंने डाला, अब हमारे पास लॉगिन हो गया, ये देखिए पासवर्ड डालते ही हमारे पास लॉगिन हो गया। एक काम करते हैं, अब इसको हम जाते हैं यहाँ पे, अब मैं 145.201 और SSH वर्जन 2 इनेबल किया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि SSH वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप यहाँ पे जाइए,
सो SSH वर्जन, सो SSH, SSH देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SSH वर्जन अलाउ इज 2, तो SSH वर्जन 2 हमने अलाउ कर दिया, IP एड्रेस दे दी और इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं है, SSH का बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो भी है वो अपना ले लेगा। अब ये देखिए हमने ऐड किया, नहीं यहाँ ऐड नहीं हो रहा है, 145.201, एक काम करते हैं इसका क्या, 145.201 ऑलरेडी SSH है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था 192.168.145.201। क्लोज, होस्ट है मेरा 201, टूल्स ऑप्शन 2, मुझे SSH के लिए ब्राउज करके एक बार मैं देख लेता हूँ कि यही पुट्टी है। ओके अप्लाई कर दिया, यहाँ पे SSH पे जाके देखता हूँ, नॉर्मली SSH लेता है क्या। ओके वर्जन 2 पे पता नहीं क्यों, लेकिन SSH वर्जन 2 इनेबल था हमारा यहाँ पे, हमने जब चेक किया था अभी ये ASA फायरवॉल के ऊपर तो वर्जन नहीं चलाओ, तो ठीक है SSH वर्जन 2 हमने 2 भी इनेबल कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ SSH वर्जन 2 के ऊपर से लगा के देखता हूँ कि 2 के ऊपर अला रहा है अननोन SSH वर्जन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें SSH मिल गया इसका, तो हमने इसका रीनेम कर देना है ASA SSH, मतलब मैंने ASA का SSH ले रखा है इसलिए मैंने इसको ASA SSH कर दिया, ठीक है। अब मुझे हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसका रीनेम भी कर देते हैं ASA VNC, ये VNC है ASA का और ये VNC है SSH है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे गए, हमने एडमिन डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है इनेबल किया, इनेबल पासवर्ड डाला, सो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। अब जो हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया था यहाँ पे एज इट इज दिख रहा है आपको कि मैनेजमेंट की आईपी डाली हमने, ये डाली है, ये डाली है, ये डाली है, ठीक है ये ठीक है। एंड अभी मैंने हमने सो नेम इफ, हमने जो नेम इफ का नेम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो इसका इंटरफेसेस हैं जो डीएमजी सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगर की है वो ये रहा। तो अब इसको हम राइट मेमोरी कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए, आप चाहें तो ASDM के ऊपर भी सेव का बटन है, सेव पे बटन में करके और रिफ्रेश कर सकते हैं। तो हो गया, अब ये हमारा हो गया बेसिक्स, तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेवल में करेंगे।